Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और अब हम इस हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है कॉम्बिनेशन. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसको यूज़ करना समझा. ठीक है, उसको फाइंड आउट करना समझा. ठीक है, अब हम उससे थोड़ा सा रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. और वो उस टॉपिक का नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, अगर जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल ली थी, चलें उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. छोटी एग्जांपल लेते हैं ताकि उसको समझने में भी आसानी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3. ठीक है, तो हमारे पास एक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशंस, लेट्स सपोज हम, बल्कि एक और कर लेते हैं, हम 4 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आसानी हो जाए समझने में. ठीक है, तो इसमें से हमने अब क्या करना है कि 2 ऑब्जेक्ट्स का जो है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन एक बनाना है, 2 ऑब्जेक्ट का सेट बनाने हैं. ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के सेट बनाने हैं, यानी कि ये 4 बंदे हैं. अगर जिस तरह से हमने लिया था 13 जो है प्लेयर्स लिए थे, उसमें से 11 लोगों की हमने टीम्स बनाई थी, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये 4 लोग हैं. ठीक है, इनमें से हमने 2 के सेट बनाने हैं. ठीक है, 2 लोग इसमें से सिलेक्ट करने हैं. अब 2 कोई से भी हो सकते हैं, ये पहले 2 हो सकते हैं, आखिरी 2 हो सकते हैं, दरमियान वाले 2 हो सकते हैं, पहला और आखिरी मिलके हो सकते हैं. ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन हमने देखने हैं. तो चलें देखते हैं, R इज इक्वल टू 2 है और N जो है वो है 4. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट 2 मैं सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट 2 सिलेक्ट करता हूँ, 1 और 2, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया. और मैं जो है फर्स्ट 1 और 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, 2 ही हमारे पास आए हैं. ठीक है, और 1 और 4 भी हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, 1 और 4. इसी तरह से आप देखें, 1 और 4 हो गया, और 2 और 3 हो सकता है कॉम्बिनेशन, 2nd और 3rd. ठीक है, मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे. इसके अलावा हम 2 और 4 का बना सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा हम जो है 3 और 4 का, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है. तो ये जो है कितने कॉम्बिनेशन बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि कैलकुलेट, चलें हमारे पास जो है n की वैल्यू क्या है, n हमारे पास है 4, r है हमारे पास 2. ठीक है, तो 4c2, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या ये इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास. ठीक है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 6, ये है नंबर 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है यार, 1, 2, 3, 4, ये 5 आता है यहाँ पर और ये 6 है. ठीक है, तो चलें चेक करते हैं रिजल्ट इसका. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, यानी कि 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल के. ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 2 हैं, 2 फैक्टोरियल, एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4 इंटू 3 इज 12, और 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और ये 6 के इक्वल आ जाएगा. यानी कि नंबर ऑफ हमारे पास कॉम्बिनेशन जो हैं, ये मैंने फार्मूला से कैलकुलेट किया तो वो 6 आए हैं, और मैंने कॉम्बिनेशन भी आपके सामने बनाए हैं, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं. ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप देखें, तो जब मैंने 1 और 2 सेलेक्ट किया, बाकी क्या रह गया इसमें, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें से हमने 2 का पिक करना ना, तो बाकी क्या रह गया, बाकी 3 और 4 रह गया. तो ये रेजिडुअल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या क्या रह रहा है. ठीक है, तो 3 और 4 रह गया हमारे पास यहाँ पर. जब हमने 1 और 3 सेलेक्ट किया तो बाकी क्या रह गया, 2 और 4. जब हमने 1 और 4 सेलेक्ट किया तो हमारे पास रह गया 2 और 3. ठीक है, जब हमने 2 और 3 सेलेक्ट किया तो हमारे पास क्या रह गया,
1 और 4, ठीक है। जब हमने 2 और 4 सेलेक्ट किया, 2 और 4, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया, बाकी क्या रह गया, 1 और 3, ठीक है। और जब हमने 3 और 4 सेलेक्ट किया तो 1 और 2 हमारे पास रह गया, 1 और 2। अब आप इसमें एक यानी कि अपना माइंड इस पे लाएं, इस चीज़ पे कि जब हम यानी कि कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, साथ में हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो चलें दो दो अब बन रहे हैं ना, हम इस तरह भी कर सकते हैं, तीन का भी बना सकते हैं कि तीन यहाँ पे लें तो यहाँ पे एक एक बचेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये हम आर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आर सेट बना रहे हैं। तो ये कौन सा सेट बनता जा रहा है, एन माइनस आर, यानी कि टोटल एन ही है, ठीक है। तो ये आर है तो ये एन माइनस आर बन रहा है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ये आर है ना, इसको हम आर कहेंगे, क्योंकि हम जो सेलेक्ट करते हैं वो हम क्या कह रहे हैं कि आर है, आर सेट बन रहा है ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या है, ये मिलके सारे एन बनाते हैं, चार हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो इनमें से हमने आर निकाल दें तो बाकी रेजिडुअल ये बचता है, ठीक है, यानी कि एन माइनस आर ये है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आप ये देखें ये भी कॉम्बिनेशन साथ में बनते जा रहे हैं, और ये कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जितने ये बन रहे हैं, आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं। एक और एग्जांपल से आप समझ लेते हैं अभी थोड़ा सा, ताकि और अच्छा अच्छी तरह समझ आ जाए। यही मैं लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम r जो है वो लेते हैं 3, ठीक है, r इज इक्वल टू हम लेते हैं 3, n इज इक्वल टू है 4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 है, तो r सेट बनाते हैं, क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक 1 3 4, ठीक है, एक सेट, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा 1 3 4। उसके अलावा 2 3 4, 2 3 4 ये बन गया, और कौन सा बन सकता है, 1 2 4, 1 2 4 हमने नहीं बनाया, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 4 बना लिया, 1 3 4, 1 3 4 मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद 2 3 4, अब इसको हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं फार्मूला से, कि हमारे पास n जो है वो 4 है और cr जो है वो 3 है, 4c3 कैलकुलेट करते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r जो है वो 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें, 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल, इज इक्वल टू 4, 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आप काउंट करके देखें, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बने आर सेट में, ठीक है। अब यहां से देखें, अब हम बनाते हैं यानी कि रेजिडुअल बनाते हैं एन माइनस आर, यानी कि जब आर हमने निकाल लिया इसमें से, जो है उठा लिया इसमें से, पिक कर लिया, तो बाकी क्या बचा, 1 2 3 ले लिया तो 4 बच गया, उसके अलावा 1 3 4 लिया तो 2 बच गया, ठीक है, 2 3 4 जब ये ले लिए तो 1 बच गया, और 1 2 4 जब हमने लिया तो 3 बच गया। अब यहां से आप देखें, ये चीज नोट करें कि कॉम्बिनेशन चले डिफरेंट बन रहे हैं, 1 2 3 इसमें बन रहा है, ठीक है, ये 4 बन रहा है, ये 1 3 4, ये 2, लेकिन आप कॉम्बिनेशंस को छोड़ें, ये देखें कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 1 2 3 4, और इस केस में कितने बन रहे हैं, 1 2 3, अगर इसको भी आप एक कॉम्बिनेशन कंसिडर करें तो 1 2 3 4, ये भी 4 ही बनते हैं। मतलब हमने ये नोट किया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, साथ में रेजिडुअल भी उतने ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के, ठीक है, यानी कि इसको आप काउंट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एन सी
एन माइनस आर, ठीक है। तो आप ये हमने देखा कि किस तरह से ये इक्वल है, तो एक और मेथड से इसको हम देख लेते हैं, फार्मूलाज में पुट करके देखते हैं क्या ये वाकई इक्वल हैं या नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि एन सी एन माइनस आर को चेक करते हैं, एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, इसमें क्या है, एन माइनस आर है, ठीक है, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और साथ में एन माइनस आर है, ठीक है, तो एन एन ही है और माइनस आर आर अब ये है एन माइनस आर, तो ये बन जाएगा माइनस एन प्लस आर इसका फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, अब ये एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको दोबारा से मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, एन सी एन माइनस आर इक्वल आया है किसके, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप देखें एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर बी सी के इक्वल होता है, तो ये इज इक्वल टू किसके है, एन सी आर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने फार्मूला से भी प्रूव कर लिया कि एन सी एन माइनस आर जो है या फिर इक्वल है एन सी आर के, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने प्रूव करना था। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, अब इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि चलें, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट जो हमने अभी फाइंड किया है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है, जब हम एन सी आर हमने फाइंड करना हो, ठीक है, और आर जो है वो एन बाय टू से ग्रेटर हो, ग्रेटर, ठीक है, तब हमें फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा देखें एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने फाइंड करना है 12C10, ये फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि एन सी एन माइनस आर के इक्वल हो सकता है, ठीक है, यानी कि एन सी एन माइनस आर इसके इक्वल होगा, तो 12C2 हो जाएगा ये, मतलब कि हमारी जो है कैलकुलेशन कम हो जाएगी, पहले 12C10 था, अब 12C2 पे आ गया, ठीक है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वल बनेगा 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इससे कैंसिल आउट कर दें 6 से, और ये 66, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लें, तो ये इज इक्वल टू इस तरह से 66 के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसकी एग्जांपल, और एग्जांपल हम अब एन सी आर फाइंड करने के देख लेते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आती हैं थोड़ा सा, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट जो है एन सी आर का वो क्लियर हो जाए। जब अगर हमारे पास जो है एन सी एट इज इक्वल टू हमें गिवन है एन सी 12, ठीक है, एन सी एट हमें गिवन है इक्वल एन सी 12 के, तो हमने एन कैलकुलेट करना है, फाइंड एन, तो हम एन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखें हमें पता है कि एन, अब यहां पर भी वही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन सी आर, आर जो है 8 है, ठीक है, इससे कंपेयर कर लेना, एन की जगह एन ही है, 8 की जगह 12 आर है, ठीक है, तो यहाँ पर आर की जगह 8 आर है और 12 की जगह एन माइनस आर है, मतलब कि 8 इज इक्वल टू आर की जगह 12 है, तो इसको तो चलो r इज इक्वल टू 8 हो गया ना, इसको तो रहने दें, यहाँ से आप इस इन दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है, ये r आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा इन दोनों को कंपेयर कर लें, n की जगह n नहीं है c, फिर 12 की जगह n माइनस r है, ठीक है, मतलब कि 12 इज इक्वल टू n माइनस r है, ठीक है, तो यहाँ से आप
आर कैलकुलेट आर जो है आप इसको कंपेयर कर लें तो आर आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू 8। तो इसमें पुट कर दें n माइनस 8 इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट करनी थी, और ये फार्मूला हमने यूज़ किया है एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि n कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं एन सी आर की, कि एन सी आर चलें हम फाइंड तो कर रहे हैं लेकिन इसका फ़ायदा किस तरह से हम क्या कोई अच्छी एग्जाम्पल इसकी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है कि हमें कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ सिक्स साइडेड फिगर, यानी कि हेक्सागन, सिक्स साइडेड फिगर, हेक्सागन होती है ना जिसकी सिक्स साइड्स होती हैं, उसके हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डायगनल्स, कितने डायगनल्स बनेंगे उसके। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, सिक्स साइडेड फिगर है तो मतलब के उसके वर्टिसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 6 होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हर एक यानी कि हम चाहे हम यहाँ पर ड्रॉ भी करके देख लेते हैं कि इस तरह से एक वर्टेक्स ये, 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 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस होंगे उसके सिक्स साइडेड फिगर के। अब हमने डायगनल्स कैलकुलेट करने हैं, तो डायगनल्स क्या होता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ना। लेकिन अब यहाँ से देखें, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ ये साइड बनती है, ये साइड बनती है, ये भी साइड बनती है, ये भी साइड बनती है, इसको जॉइन करें ये भी साइड बनती है, ये भी साइड बनती है। अब डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं कि अगर मैं इनको आपस में जॉइन करूं, इस तरह से जॉइन करूं, इस तरह से जॉइन करूं, ठीक है, तो ये डायगनल्स बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी दो पॉइंट्स को आपस में जॉइन करने से डायगनल्स बन जाता है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ आप ये माइंड में रखें कि कोई दो पॉइंट जो हैं ऑपोजिट हों या जिस तरह भी, उनको आपस में जॉइन करें तो डायगनल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम यानी कि ये फाइंड कर सकते हैं कि जॉइनिंग एनी टू वर्टिसेस वी गेट अ लाइन। अभी डायगनल की बात नहीं करते, कि किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में जॉइन करें तो वो क्या हमें देते हैं, वो हमें देते हैं लाइंस। यानी कि इसको इससे मैंने जॉइन किया तो ये एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ, बल्कि मैं इससे जॉइन कर लेता हूँ, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है। ठीक है, उसके अलावा इसको मैं इससे जॉइन कर सकता हूँ, ये भी एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है। ठीक है, और इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है, इसको मैं इससे जॉइन करता हूँ तो ये भी एक लाइन है। तो अब इसमें ये डायगनल्स हैं, ये साइड्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं, मतलब कि हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते हैं, ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यानी कि छः हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास डॉट्स हैं चलें कह लें, ये वर्टिसेस हैं, या छः डॉट्स आप इसे कह लें, उनको हमने जो है किसी तरह से उन दोनों को जो है जॉइन करना है इन सब को आपस में, तो कॉम्बिनेशन ही बन गया ना वो, मतलब कि इसको इससे जॉइन किया तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, इसको इससे जॉइन किया ये कॉम्बिनेशन, इसको इससे जॉइन किया ये भी एक कॉम्बिनेशन, इसको इससे जॉइन किया ये भी एक कॉम्बिनेशन, ये सब आपस में कॉम्बिनेशन बन गए। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6C2।
ठीक है, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ये कितने बनते हैं 15, अगर कैलकुलेट करके आप देख लें, ठीक है। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमने तो डायगोनल्स फाइंड करने थे, ये तो वर्टिसेस भी हैं इसमें, इन लाइंस में, तो वर्टिसेस कितने हमें पता है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट्स भी हैं, ठीक है, यानी कि 6 साइड्स को हम निकाल देते हैं 15 में से, 15 तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं, तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 वो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो 9 बनते हैं, ठीक है। आप ये देख भी लें हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 6 जो हैं वो हमारे पास डॉट्स समझ लें, वर्टिसेस हैं, एक्चुअली तो वर्टिसेस हैं लेकिन इसको डॉट्स समझ लें, तो इन दो डॉट्स को, किसी भी दो डॉट्स को इनमें से आपस में जो है ना कंबाइन करना है, ठीक है, मिलाना है, तो उससे हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट बनती है। तो ये देखें आप ब्लैक में जो है इसको भी मैंने मिलाया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा ये हर एक दो डॉट्स को मैंने आपस में मिलाया हुआ है, तो ये तो लाइन सेगमेंट्स बन गई। अब इसमें हमने हमें डिफ्रेंशिएट करके देख लें आप, यानी कि इसमें डिफरेंस देख लें कि कौन सी लाइन सेगमेंट जो है वो साइड है इस 6 हेक्सागन की और कौन सा डायगोनल है। अब ये देखें ये जो है ये साइड है, ये साइड है, आपको पता है कि एक हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो उन लाइन सेगमेंट्स में वो साइड्स भी काउंट हो चुकी हैं, ठीक है, यानी कि इन 15 में वो साइड्स भी आ चुकी हैं। उन साइड्स के अलावा आप माइनस यानी कि 6 कर दें तो आपके पास बाकी जो डायगोनल्स बच जाते हैं, ठीक है, कोई भी दो यानी कि साइड के अलावा दो डॉट्स को आपस में मिलाया जाए तो वो डायगोनल्स बन जाते हैं। तो ये हमने डायगोनल काउंट कर लिए, वो कितने हैं, वो हैं 9, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी समझने के लिए कॉम्बिनेशंस को, तो इसका यूज़ भी समझने के लिए। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज जो है 7.4 स्टार्ट करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है।